एक दोस्त ने कमेंट करके हमें बोले हैं कि हेवी साइज का पैंट कटिंग करके बताइए। ये देखिए हमारा पैंट का लेंथ, ये 39 इंच लेंथ है, 43 इंच कमर है, 50 इंच हिप है, 32 इंच जांघ है, 25 इंच घुटना है, 21 इंच मोड़ी है, 28 इंच किस तक है। चलिए शुरू करते हैं। ये बड़ा साइज के लिए कम से कम 140 होना। ये हम आपको दोनों को बराबर कर लिए, बराबर करके हम इसको सीधा बिछा लेंगे। क्या बात, ऐसे रखो। सबसे पहले एक सीधा मार्क ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 1/4 इंच का मार्क लगाएंगे, सीधा मार्क ले लेंगे। अब यहाँ 20 सेंटर यहाँ से अंदर लेंगे। अब यहाँ 1 इंच ऊपर कर लेंगे। ये हमारा 39 इंच लेंथ है, तो 39 पे मार्क लगा लेंगे। दो इंच नीचे एक्स्ट्रा दे देंगे और घुटना का मार्क लगाएंगे। 39 का आधा होता है 19.5, 19.5 पे मार्क लगा लेंगे। उसके बाद हमारा किस तक है 28.5, 28.5 का मार्क लगाएंगे। 14.25, अब यहाँ 14.25 का मार्क लगा लिए और ऊपर लेंगे 3 इंची ऊपर ले लेंगे। तीन इंच लेने के बाद मार्क को सीधा कर लेंगे, ये भी मार्क को सीधा कर लेंगे, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये जांग है 32 इंच, यहाँ पे एक मार्क ले लेंगे और एक मार्क यहाँ ले लेंगे। अब 32 का आधा आता है 8, यहाँ पे 32 है तो इसका आधा 8 आता है। हम यहाँ पे 8 नहीं देंगे क्योंकि बहुत बड़ा साइज है, वो पल्ला हमें बैक पल्ला भी निकालना है वो साइज पे, तो हम यहाँ 7.5 देंगे। 25 इंची इसका चौथा हिस्सा देंगे हम, नहीं चौथा हिस्सा नहीं देंगे, आधा हिस्सा देंगे। 25 का 12.5 आएगी, तो यहाँ से 6.25 इंच दिए, यहाँ 12.5 यानी आधा हिस्सा आया और जांघ का आधा हिस्सा 32 आया। अब
नीचे हम दें, नीचे हम देंगे 6 इंच, 6 इंच यहाँ पे हम दिए हैं 7.5 इंच, तो नीचे 6.5 इंच देंगे, 6.5 इंच देंगे कि हमारा मोड़ी 21 इंच है, 5.25 इधर देंगे, और 5.25 इधर, यानी 21 इंच हो गया। अब इसको हम मार के तो मिला लेंगे, यहाँ से ऐसे मार्क ले लेंगे, दूसरा सीधा स्केल से हम ऐसे लेंगे, ये पैंट है प्लेट वाला, अब इसको सीधा ले लेंगे, सीधा लेने के बाद यहाँ 1.25 इंच लेंगे, और यहाँ नाप के देखने कितना आ रहा है, 14 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी 14 इंच देंगे, ये मार्क खींच लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई कर लेंगे, अब यहाँ ये साइड से लेंगे, पैकेट का निशान लगाएंगे, साइड पैकेट है 1.25 इंच, इसके बाद 6.5 इंच हमारा पैकेट का मुंह 6.5 इंच रहेगा। अब हम कटिंग करेंगे, यहाँ पे एक मार्क ले लेंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ से चैन लगेगा, यहाँ से जिप लगेगी, हम बैक पल्ला कट करेंगे, यहाँ पे नीचे के हिस्सा में हम 1.5 इंच देंगे, यहाँ पे 1.25 इंच देंगे घुटने के पास, और यहाँ पे हमारा 32 इंच जांग है, तो यहाँ से 0.5 इंच छोड़ के नापेंगे, 0.5 इंच इधर छोड़ लिए,
तो हमारे सारे 14 आ रहा है कि सारे 14 पे हैं, हम इंची टेप पकड़ लेंगे और यहाँ से आधा इंची छोड़ के नापेंगे 32 इंच। अब ये हमारा इतना बढ़ रहा है तो यहाँ पे मार्क लगा लें कि किस तक में एक म्यानी लगेगी। अब यहाँ पे हम लेंगे, हमारा कमर है तैतालीस इंच कमर है, तो 43 का चौथा हिस्सा लगाएंगे। यहाँ पे आधा इंच ले लेंगे और 43 का 11.5 आता है चौथा हिस्सा। यहाँ एक मार्क लगा लिए और 1.25 इंच प्लेट के लिए मार्क लगा लिए। 50 इंच हमारा ये हीप है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे कितनी आ रही है, 13.25 इंच आ रही है। दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ के 13.25 पे पकड़ लेंगे और यहाँ पे आधा इंच इधर छोड़ लेंगे, साइड से आधा इंच छोड़ के और 13.25 पे मार्क लगा लेंगे। ये देखिए 25 का डबल 50 आता है। अब हम मार्क लगा लेंगे। अब पहले हम यहाँ से सीधा एक मार्क लेंगे, यहाँ से 1.25 इंच नीचे उतारेंगे और ये कोना से यहाँ तक हम मार्क ले लेंगे। सीधा मार्क लगा लेंगे। थोड़ा नीचे हम क्रॉस कर देंगे, नीचे इस तरह मार्क ले लेंगे। अभी ये पल्ला उठाएंगे और ये मार्क एयर मार्क हम मिला लेंगे। अब इसको हम गोलाई देंगे यहाँ से, इतना जो जगह खाली है यहाँ पे हम एक म्यानी देंगे क्योंकि बड़ा साइज का जितना भी पैंट कटती है उसमें म्यानी रहती है। अब पहले हम ये नाप लेंगे कि हमारा किस तक कितना आ रही है। आधा इंच यहाँ पे छोड़ लेंगे, ये हमारा 11.5 इंच आ रही है, यानी 1.5 इंच का बेल्ट जाएगा, यानी 12.25 इंच आएगा। 12.25 यहाँ से आधा इंच छोड़ लेंगे, यहाँ 12.25 है, यहाँ से आधा इंच छोड़ के ऐसे गोल करके हम नापेंगे तो हमारा 28.5 है, तो 27.5 रहेगा। ये कितना जाए, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे।
है किस तक में हम यहाँ किस तक ज्वाइन कट करेंगे, हम यहाँ ऐसे रख लेंगे।